नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। झांसी के प्रतिष्ठित नागरिक तथा समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने आज अपना जन्म दिवस बड़े ही सादगी के साथ मनाया। इस दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम में बुजुर्ग माताओं के चरण धोकर उनका आशीर्वाद लिया। आपको बताते चलें कि गौ, गंगा, गायत्री की सेवा के लिए वचनबद्ध हजारों माताओं, बहनों एवं मानव सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले प्रतिष्ठित समाज सेवी गौरव गहोई पुत्र संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष एवं संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने अपने परिवार एवं सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में बड़ी सादगी के साथ अपना जन्म दिवस मनाया। सर्वप्रथम उन्होंने अपने जन्म दिवस की शुरुआत धर्मपत्नी सपना सरावगी, पुत्र ऐश्वर सरावगी, पुत्री सिद्धि सरावगी के साथ गायत्री शक्तिपीठ आतिया ताला पहुंचकर गुरुजनों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन से की। मां गायत्री शक्तिपीठ के दर्शन कर गुरुजनों से पुष्पमाला पहनाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद आईटीआई सिद्धेश्वर नगर स्थित वृद्धा आश्रम पहुँचे, जहां सदर विधायक रवि शर्मा व धर्मपत्नी सुनीता शर्मा ने समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी को पुष्पगुच्छ भेंट कर जन्मदिन की मुबारकबाद दी। विधायक रवि शर्मा और उनकी धर्मपत्नी सुनीता शर्मा समेत विभिन्न संगठनों से आए पदाधिकारी, सदस्यों एवं बुजुर्ग माताओं बहनों की उपस्थिति में समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने केक काटा। इसके बाद उन्होंने बुजुर्ग माताओं के चरण धोकर उन्हें वस्त्र एवं उपहार भेंट किए। माताओं बहनों एवं बुजुर्गों ने डॉक्टर संदीप सरावगी को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि माँ वह है जो 9 महीने कोख में रखकर हमें जन्म देने के साथ ही हमारा लालन पालन करती है। माँ के इस रिश्ते को दुनिया में सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। यही कारण है कि संसार में माँ को जगत जननी, जीवनदायिनी की संज्ञा दी गई है। इसके साथ ही माँ को प्रेम और त्याग की मूर्ति भी माना गया है। लेकिन बदलते परिवेश में देश की विडंबना है कि जिस धरती पर माता पिता को भगवान का स्वरूप मानते हैं, उसी धरती पर उनकी यह स्थिति दयनीय है। यह हमारे समाज की संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। कुछ संभ्रांत परिवारों के लोग अपने माता पिता को खुद ही वृद्धाश्रम छोड़ जाते हैं, जबकि कई माता पिता ऐसे हैं जिनकी हालत इतनी बुरी होती है कि उनको घर से निकाल कर सड़कों पर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। आजकल मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वह केवल सांसारिक सुखों की कामना करता रहता है। ऐसा नहीं कि वे अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर सकते, कमी उनके विचारों में आ गई है, उनके सोचने की शक्ति संकीर्ण हो गई है। सांसारिक सुखों के आगे अपने माता पिता को रोड़ा समझने लगते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी असहाय माताओं, बहनों एवं बुजुर्गों की सेवा के लिए उनका बेटा भाई संदीप सरावगी सदैव एवं संघर्ष सेवा समिति सदैव मौजूद रहेगी। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों के लिए जलपान आदि की व्यवस्था की गई थी। डॉक्टर संदीप सरावगी को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएँ देने हेतु संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर दिन भर उनके शुभचिंतकों और प्रियजनों का तांता लगा रहा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। आए हुए हैं और संघर्ष सेवा समिति के कार्य को देखते हुए अपना आशीर्वाद देने के लिए आज जन्मदिन पर अलग से हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए। भाई साहब, तमाम जन्मदिन देखा जाता है रेस्टोरेंट में मनाए जाते हैं या कोई कहीं मनाता है, आप वृद्धाश्रम में मना रहे हैं, क्या कहना रहेगा इस बात? तमाचा है उन बेटों के ऊपर जिन्होंने अपनी माँ को छोड़ रखा है। नहीं समझे, इस दुनिया में ये मान के चलो कि हम जैसे कुछ लोग भी अगर साथ दे दें माँ का, तो इन्हें बेटे की कमी नहीं करेगी, परिवार की कमी नहीं करेगी। और आज भी हम यहाँ पे अपने जन्मदिन पर माओं के पैर धोकर सबसे पहला निवाला इन्हीं को खिलाएंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ करेंगे। इस बात इस वचन से वचनबद्ध होकर मैं यहाँ पे वृद्धाश्रम। इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ातर इन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।